हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। यहां पर आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो 54 शिक्षक बहाली का जो नियोजन पत्र वितरण का कार्यक्रम है उससे संबंधित है, क्योंकि एक खबर जो है न्यूज़पेपर में जो है छपी है और उसमें एक समस्या बताई जा रही है कि 21 से अधिक राज्यों के डॉक्यूमेंट्स होने के कारण वेरिफिकेशन में समस्या आ रही है। तो कुल मिला जुला करके नाटक शुरू हो चुका है, लेकिन इस नाटक को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग नियोजन पत्र इस बार जो है लेकर के रहेंगे, चाहे जैसे लेकर के रहें। तो ये वीडियो नियोजन पत्र वितरण के कार्यक्रम के संबंध में है और इसमें मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि कैसे नियोजन पत्र वितरण किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार फिर से दो फार्मूले हम लेकर के आए हैं कि बिहार शिक्षा विभाग जो है नियोजन पत्र वितरण करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर उसकी मनसा नहीं होगी तो नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। और ये जो है न्यूज़पेपर में जो खबर प्रकाशित हुई है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है। जो शिक्षक अभ्यर्थी या जो ग्रुप जो है ट्विटर हैंडल अकाउंट पे ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चलाना चाहिए और अब इसको जो है जोर पकड़ना चाहिए। ये एक आंदोलन की शक्ल ले सकता है, क्योंकि नियोजन पत्र वितरण में लापरवाही की जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे कि नियोजन पत्र वितरण जो है कैसे हो सकता है, उसका फार्मूला क्या है। तो वीडियो साथ अंत तक बने रहिएगा और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होता है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर नियोजन पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है उसका सीधा सीधा दो फार्मूला है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ हो और चाहे ना हुआ हो, आपके पास सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनकी फोटोकॉपी है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अगर उन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स को रखे भी रहें पूरी ज़िंदगी भर, उनको नौकरी दे दें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और भविष्य में उनको आवश्यकता पड़े तो अपने ले सकते हैं, लेकिन वे गवर्नमेंट जॉब के लिए ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए तो कोई लेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है दो फार्मूला हम बताने जा रहे हैं नियोजन पत्र वितरण का, जो है आसानी से जो है कार्यक्रम चाहे तो कम्प्लीट किया जा सकता है। इसमें जो सबसे पहला फार्मूला है वो ये है कि बीच में एक बात उठी थी कि शपथ पत्र के आधार पर नियोजन पत्र वितरण किया जा सकता है, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ है वो जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे एक शपथ पत्र ले लिया जाए कचहरी से बनवा करके या कोर्ट से बनवा करके, और उसमें साफ साफ चीज़ें लिखवा ली जाए कि अगर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो सीटेट बीटेट का प्रमाण पत्र हो, चाहे टीचर ट्रेनिंग का हो, चाहे बोर्ड का कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो उनके ऊपर FIR की जाएगी और उनका जो एड्रेस है वो भी उस शपथ पत्र में लिखवाया जाए आधार कार्ड के माध्यम से और वोटर ID दोनों की फोटोकॉपी भी लगवाई जाए, यानी पहचान पत्र भी उसमें लिखवाया जाए। और इसके साथ ही उनका जो अभिभावक है, उनके जो माता पिता हैं, उनसे भी उस शपथ पत्र में जो है लिखवाया जाए, उनको भी उस शपथ पत्र में शामिल किया जाए। यानी कि जो अभ्यर्थी है वो तो शपथ पत्र में शामिल होगा ही होगा, इसके साथ जो गार्जियन है वो भी उसकी गारंटी ले, क्योंकि दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक अभ्यर्थी की जिम्मेदारी से नहीं बनेगा। तो शपथ पत्र में ये लिखवा लिया जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई मिस्टेक हुआ तो आपके ऊपर FIR की जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ब्लॉक कर दिए जाएंगे, बैन कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये शपथ पत्र उनके अभिभावक और इसके साथ ही जो है जो शिक्षक अभ्यर्थी उससे भी लिया जाए, इस तरीके से भी नियोजन पत्र वितरण किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप शपथ पत्र के आधार पर नियोजन पत्र वितरित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज लगाए हुए हैं तो उनके एड्रेस भी फर्जी हो सकते हैं, जिनको बाद में पकड़ना नामुमकिन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले की जो शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं वे गायब हैं, उनके ऊपर जाँच चल रही है, FIR, लेकिन वो गायब हैं, ठीक है। तो शपथ पत्र में पता फर्जी हो सकता है, क्योंकि जब सारे डॉक्यूमेंट्स ही फर्जी हैं तो एड्रेस भी फर्जी वो दे सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि बिहार शिक्षा विभाग जो है शपथ पत्र के आधार पर नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम से बचे। दूसरा तरीका यही है कि उन सभी नियोजन इकाइयों में जहां पर काउंसिल करके अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है उसमें से जितने भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनको सिर्फ जो है नियोजन पत्र वितरण कर दिया जाए, ताकि बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर लोगों का भरोसा बना रहेगा कि जब उनको नियोजन पत्र वितरण किया गया है तो हमको भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये फंस रही है कि जो सीनियरिटी वाली बात है और जूनियरिटी वाली बात है वो यहाँ पर जो है फंस जाएगी, क्योंकि नियोजन पत्र वितरण का जो एक ही दिन वितरण करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि सारे शिक्षक अभ्यर्थी एक ही शिक्षक बहाली एक ही ईयर से सेशन से संबंधित हैं तो उनमें कोई पहले सीनियर ना हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर ये दिक्कत आएगी, आप अगर शपथ पत्र के आधार पर वितरण करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी सीनियरिटी वाली, लेकिन अगर आप जो है
नियोजन इकाई के आधार पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे जितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सका है और उनको नियोजन पत्र अगर पहले निर्गत करते हैं तो यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी वाली बात उठ जाएगी, लेकिन उसमें कोई खास गैपिंग नहीं होगा। उसको आप चाहें तो बाद में सुधार भी सकते हैं या उनको प्रिविलेज दी जा सकती है, प्राथमिकता दी जा सकती है आगे आने वाले समय में या प्रोन्नति में। ये तो बिहार शिक्षा विभाग के हाथ की बात है। तो इस प्रकार से ये दो फार्मूले हैं। अगर बिहार शिक्षा विभाग चाहे तो आसानी से 25 फरवरी को नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम को संपन्न किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि ये बिहार शिक्षा विभाग तक पहुँच जाए। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।